आज फाइनली वो दिन आ गया जिस दिन मैं अपनी फ्रिज साफ करने वाली हूँ, तो पहले फ्रिज को क्लीन करके फिर आपसे मिलती हूँ। गुड मॉर्निंग गाइस, आज सुबह सुबह मम्मी चूल्हे के ऊपर बना रहे हैं सरसों का साग। और आज माता रानी जी का पहला नवरात्र है। आप सबको नवरात्रों की बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता रानी सबके ऊपर अपनी कृपा बना रखे। जय माता दी। आप क्या कर रहे हो? ये देखो मम्मी तो रैया तोड़ रहे हैं और यहाँ पे ताया जी खेत साफ करने के लिए। क्या करना उसको? कल पपीता उतारा, इतना बड़ा पपीता मैंने देखा। मम्मी एक दो दिन में पक गया ना वो, उसको लपेट कर रख दिया मैंने। ये वाले ऐसे रहने दो, मम्मी टूट जाएगा, आप पपीते टूट जाएंगे। कोई बात नहीं, रहने दो। आप ताई यहाँ पे सारे खेत की सफाई कर रहे हैं पूरी एकदम। कितनी गिल्ली मिट्टी है ना। हाँ जी ठीक है। मम्मी गिर ना जाए लो, दो तीन भी बड़ोता सीते। कोई नहीं, ये तो ठीक है, ताजी ताजी होंगे ना। हाँ जी, वो कितनी बड़ी होगी मम्मी, है ना? वो कितनी बड़ी होगी तुरई ना, वो वाली। ये तो छोड़ दिया आपने, ये देखो, ये तो छोड़ ही गए आप। ये देखो मम्मी, नींबू भी तोड़ने वाले हो रखे हैं काफी सारे। नींबू मेरे रस ही नहीं इस बार ना, सूखे सूखे से नींबू। हरी मिर्ची तोड़नी है, ये फाड़ देंगे हरी मिर्ची। हाँ थोड़ी थोड़ी तो आज मेरे परिदेव मेरी पूरी मदद कर रहे हैं। मैं मुझे लगा था ये बोलते तो जिस दिन फ्रिज साफ करेगी मुझे बुला लेना, और सुबह सुबह मेरे साथ उठ के ये भी फ्रिज साफ कर रहे हैं। और मैंने अंदर से सारी साफ कर दी है, ये बाहर से ऊपर से सब कर रहे हैं अच्छे से। जो मैं करता हूं तो डीप क्लीनिंग होती है। वे साल इतना होया। हां तो ठीक है, मैं चार बच्चे लेके आने लगा तो आंचल का तीन बहुत है। और चार लेके आंदी ना, तीन बहुत है। मम्मी इसमें कुछ और डाला है? बाथरूम वगैरह तो है नहीं ना, चढ़ाई भी नहीं डाली इसमें। चढ़ाई पतेड़ वाले, अच्छा कड़वा ना हो जाए, बाकी तो ठीक है। मम्मी कोटने ना ज्यादा अच्छा नहीं होता, फिर इसके साथ क्यों कर रहे हो आप? ये भी कोटना नहीं है। अच्छा मम्मी साग बना नहीं आपने, रोटी पहले बना दी? दो रोटियां ठीक है। बाकी हम सफाई करेंगे अपना, खाने साफ करने वो करेंगे। क्या कर रहे हो आप आज? सफाई कर रहा हूँ यार, मम्मी सारा सामान बोले ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। कुछ नहीं चाहिए होता। ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। मम्मी बोल रहे हैं, मैंने कहा ये मम्मी देंगे, ये तो मैं धो कर रखे थे, देखी तो फिर ये तो मैं धो कर रखे थे, मैं कहा फिर काम आए दो साल से।
12:15 का और अभी तक हम लगे हुए हैं। कितने बजे के सुनो आप लगे थे? 10 बजे मैं 8:30 मैं 8:30 पहले उठ के खाना बनाया। हाँ मैं 6:30 यस झूठ नहीं बोलना। नहीं मम्मी ने आज नहीं सुनो मम्मी उठ के भी मम्मी ने जोत वगैरह की थी आज मैं कर नहीं सकती। जोत सब कुछ किया मम्मी माता रानी सुन लेते वही ना मैंने कि सिर्फ छोटी छोटी स्टील दी यानी मिली ना मैंने माचिस मिली मम्मी ये अंदर रखना अपने अपने रूम में रखना ही सिंदूर वाली डब्बी नहीं मिली नीचे रखे उतारी है वो बीच स्टील दी है पाकल टिक्का लगा दी ना भगवान। हाँ जी वो साइड ड्रॉर च। गुड आफ्टरनून गाइस अभी हम अपने रूम में आई हूँ। सुबह 8:30 बजे उठ के 8:15 उठी थी 8:30 बजे किचन में जाके शुरू हो गई और अब 12:30 का टाइम है अब मैं अंदर आई हूँ। तो मैंने पहले सोचा था जैसे रात को सोच के सोई थी ना सब उलट हो गया। मैंने सोचा था माता रानी को लेके आए थे कि सुबह उनको तैयार करेंगे अच्छे से धूप जोत करेंगे लेकिन सुबह तक मेरी तबीयत ठीक नहीं थी मैं मंदिर में नहीं जा सकती थी तो फिर मतलब मम्मा ने धूप जोत की तो वही मेरा थोड़ा सा मूड अपसेट हो गया कि कैसे सोचा था और कैसा दिन निकल गया। मेरे साथ हमेशा होता है मैं पहले भी ऐसा बोला मैं जो भी सोचती हूँ मेरे साथ उल्ट हो जाता है। और फिर उसके बाद मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं हम एटलीस्ट कोई आज के दिन में कुछ तो काम निकालें। फिर मैंने फ्रिज का काम किया फ्रिज पूरा अच्छे से क्लीन करने वाला था और उसमें ना ऊपर बर्फ़ जमी हुई थी जो कि बर्फ़ नीचे पिघल रही थी जब हमने बंद किया फ्रिज तो पूरा 2 घंटे लगे हमने फिर फ्रिज को धूप में भी रखा ताकि उसकी सारी आइस पिघल जाए। तो फिर उसके बाद जैसे फ्रिज का काम हुआ फिर बर्तन वगैरह करके सब चीज़ें लगा के फ्रिज अब खाली खाली लग रही है। खाली खाली होती है ना फिर उसके अंदर जितना मर्जी सामान रख दो नहीं तो मुझे ऐसा लगता है जितनी चाहे बड़ी मर्जी फ्रिज ले लो इतना सामान उसके अंदर हम रख देते हैं ना वो पता नहीं लगता तो साथ साथ में खाली हो जाए अच्छी बात है। तो अभी मैं कुछ देर के लिए रेस्ट करूँगी और चाय भी हमने अभी गुड़ वाली पी है मम्मा को भी बड़ा अच्छा लगा कि गुड़ वाली चाय। गुड़ ना हमारा ड्रम में पड़ा पड़ा वेस्ट हो जाता तो ये 2 किलो था तो 1 किलो हमने रख लिया 1 किलो हमने प्रीति को दे दिया था और बाकी बस जय माता दी के नवरात्रे सब अच्छे अच्छे निकले। कहाँ बैठे हो यार ऊपर तो मान देख रहा था हो गया खत्म काम बच्चों नीचे दे देगा नहीं गिर रही गुर्री है पहले तो बांध दियो बाहर रख दे बाहर रख लो। मम्मी बोल रहे हैं स्टोर रूम ना संभाल के रख लो बच्चों के लिए काम आ जाएगा आगे तो मम्मी ने ये पूरा बना कर रखा है एडवांस में प्लानिंग पूरी है ना आपको पानी दिया तो है पानी दिया तो नारियल पानी मेरे को पानी नारियल बच रहे मम्मी कहते एक मेरे हिस्से के एक जो मर्जी पी लो कोई मर्जी पी लो एक मैंने पिया अभी मैं कल 5 लीटर आया था ना मैंने कहा सबके लिए एक ही सारा काम कर लिया। और आप लोग ये मत सोचने कि हम लोग आंचल से सारा काम करवा रहे हैं मैंने मम्मी ने किया बाहर का काम सारा और मैंने मम्मी को बोला मम्मी आपकी जुतियां हैं मम्मी कहते नहीं आंचल की ज्यादा जुतियां हैं तो दोनों सास बहू एक दूसरे को ब्लेम कर रही है देख लो आंचल देख मम्मी तेरे को ब्लेम कर रहे हैं और तू मम्मी को कर रही है कि तूने बोला नहीं नहीं मैंने सोचा तू बोलेगी अभी नहीं बोलेगी मैं बोल रहा था मैं मम्मी आपकी चप्पल मम्मी कहते नहीं आंचल की ज्यादा है कॉम्पिटिशन शुरू होगा दोनों में सास बहू में जो चाहिए ना चप्पल आप मतलब जो गर्मियों वाली है ना उसको किसी बैग में या फिर डिब्बे में डाल के रख देना ताकि वो खराब ना हो बड़ा पैर अभी पूरे कमरे में पोचा सफाई डस्टिंग करके अब मैं आराम से बैठूंगी और अभी नहा के निकली हूँ। ओ माय गॉड आज तो पूरा ही थक गई लेकिन ना जब तक आसपास मेरे अच्छे से साफ ना हो तो मेरे से चैन से बैठा भी नहीं जाता। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे बाल बाल हैं यहाँ पे डस्टिंग होने वाली है तो मैंने सोचा थोड़े सा उठ के थोड़ा सा कर लूँ फिर उसके बाद आराम से बैठती हूँ। अब तसल्ली है ना कि सब साफ सुथरा है। और दूसरी तरफ हमने साग का तड़का लगा लिया टमाटर और अदरक और मिर्ची का पेस्ट बना के
और उसमें मेरे से नमक ज़्यादा डल गया, क्योंकि जब साग वैसे हम सीटी लगवा रहे थे तब नमक वैसे डाला था और जब तड़का लगाया तब भी नमक डाल दिया, बट ठीक है। और मक्की की रोटी मम्मी बनाएंगे, फिर रात को हम इकट्ठे बैठ के सब डिनर करेंगे। चूल्हे पे रख दिया है तवा और दूसरी तरफ मम्मा कर रहे हैं मक्की के आटे की प्रेपरेशन, और साथ में बनाएंगे अब फटाफट से 2-4 मक्की की रोटी, क्योंकि आज बनाया सरसों का साग। उतनी देर मैं मूली का सलाद काटने लगी हूँ साथ में। दीपू का मखाड़ी उन्होंने खा ली अभी। आपको पता है जब मैं पटना में थी ना तो मुझे प्रिया दी बोलते थे कि ज्वार की रोटी वो बनाते हैं ना बड़ी अच्छी सी, खुद से बनाते हैं, तो बोलते मैंने अपनी मम्मा से सीखी है, वो मेरे से भी अच्छी बनाते हैं, वो पतली पतली बनाते हैं। ये आटा नहीं जोड़ता है तो बहुत पतली पतली बनाती है, जुड़ने ते हट जाता फिर इदा। ठीक है, तो आज हमारी ना जो ताई जी थी ना उन्होंने हमें मक्की का आटा दिया था, और हमने वैसे साग बनाया था तो साथ में मक्की की रोटी बन जाए तो बात ही अलग है। अब मैं जाके साग गर्म करूंगी, उसके ऊपर देसी घी डालूंगी और साथ में मक्की की रोटी और मूली काटती हूँ। ये बंदा देखा लग रहा इंस्टा पर लाइक लू करना होता। ये कौन है यार, पहचान नहीं आया सारे अज। पा दो YouTube पे। ये सक्षम है? नहीं, ये है डेला छोटा। हां कर राउंड हम तड़का को चाबी नहीं गुम रखा है आज ना, मजा आ गया रामलीला देख के, क्योंकि मैंने कभी भी नहीं देखी थी, कभी भी नहीं। और आज अंचल को ताड़का बंद का सीन दिखाया, वो लास्ट में रखा था इसलिए ताकि नहीं, वो लास्ट में होगा यार, क्योंकि देखो पहले राम जन्म हुआ, उसके बाद कितना फिर वनवास तो नहीं हुआ, वनवास अगले से उसमें होगा, कल होगा सीता हरण, मतलब सीता हरण नहीं है शायद, कल उनका विवाह होगा। कल विवाह है? हाँ जी, कल सीता स्वयंवर है ना। हाँ जी, सीता स्वयंवर है कल। चलिए अभी इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं। अच्छा लगा? हाँ जी। और चाय पकौड़ा मिल गया अंचल को। बाकी इस वीडियो को यही पे एंड करते हैं, आपको मिलेंगे कल एक नए वीडियो के साथ। बाय बाय।